बढ़िया सब ऐसे में कुछ अच्छे सवाल हैं उसको रिवाइज करा दे रहे हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, कंडीशंस फॉर पार्टिकल अंडर वुड एसएचएम यानी इन वन टाइम पीरियड करें इन टू डे करें वन टाइम पीरियड में पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर कर गया, हमसे यही सवाल पूछा गया है। तो आप बताओ एसएचएम के दौरान अगर आपने पढ़ा होगा ये मान लीजिए कोई सर्कल है, ठीक है, क्या है सर्कल, और इस सर्कल का मान लीजिए आपका ये वाला एक्सिस एक्स एक्सिस है और ये वाला जो एक्सिस है ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। मैंने मान लिया कि t बराबर 0 पर कोई पार्टिकल है, कोई पार्टिकल इसका मास m है, ठीक है, वो इस सर्कल के अलोंग टेंजेंट अलोंग की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ यहां पर टेंजेंट अलोंग होगी राइट साइड, बताओ जो इस पार्टिकल का जो साइड होगा भैया साइड दोस्तों वो किधर मूव करेगा, वो मूव करेगा राइट साइड, किधर मूव करेगा राइट साइड। पार्टिकल अगर मूव करेगा टेंजेंट कूलॉम तो उसका शैडो मूव करेगा राइट साइड मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। मान लीजिए किसी t बराबर t पर पार्टिकल यहां पहुंच गया। अच्छा इस यहां पहुंच गया तो मतलब इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वो कहां होगा, टेंजेंट के अलोंग होगा, मतलब जब इस पॉइंट पहुंचा तो उस पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है वो सर्कल में टेंजेंट कूलॉम होता है, मतलब इसका जो शैडो होगा दोस्तों शैडो वो किधर मूव करेगा, शैडो मूव करेगा राइट साइड, शैडो मूव करेगा राइट साइड। अगर ये पार्टिकल का वेलोसिटी इस पॉइंट पर टेंजेंट कूलॉम होगी तो इसका शैडो मूव करेगा राइट साइड। अगर पार्टिकल मान लीजिए यहां चला गया, बताओ यहां पर उसका टोटल वेलोसिटी अलोंग वाई होता है, टोटल वेलोसिटी अलोंग वाई होता है मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती रही है, बताओ तो पार्टिकल होगा उसका जो शैडो होगा शैडो वो यहां जाएगा, मतलब यहां पर शैडो की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा जीरो जाएगा क्योंकि यहां पर उस पार्टिकल के पास टोटल वेलोसिटी अलोंग होती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के रेशियो में कोई वेलोसिटी होती नहीं है तो शैडो की वेलोसिटी यहां पर जीरो हो जाएगी। इस पॉइंट को हम बोलते हैं एक्सट्रीम, वो भी कौन सा एक्सट्रीम, राइट एक्सट्रीम, कौन सा एक्सट्रीम, राइट एक्सट्रीम। अगर हम रेडियस मान लें नॉन बोला हुआ एम्पलीट्यूड r बराबर a, क्या बोला हुआ है r बराबर a, इसे हम बोलते हैं x बराबर प्लस a, क्या बोलते हैं x बराबर प्लस a, इसे हम बोलते हैं राइट एक्सट्रीम, क्या बोलते हैं राइट एक्सट्रीम, राइट एक्सट्रीम, ठीक है, क्या बोलते हैं राइट एक्सट्रीम। अच्छा बताया जा रहा है जो पार्टिकल यहां होगा यहां पर मतलब इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वो टेंजेंट कूलॉम होगा, बोलिए दोस्तों इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वो टेंजेंट कूलॉम होगा, बताओ जो इसका शैडो होगा बताओ पहले, तो पार्टिकल यहां मीन से गया एक्सट्रीम तक इधर राइट साइड हॉरिजॉन्टल में, जब पार्टिकल जब यहां पर आया इसका जो शैडो होगा बताओ वो वापस आ रहा होगा लेफ्ट डायरेक्शन में उतर रहा होगा क्योंकि पार्टिकल अगर इस पॉइंट पर इसका वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में तो उसका जो शैडो होगा वो वापस एक्सट्रीम आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा जब पार्टिकल यहां होगा जरा बताइएगा इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा टेंजेंट कूलॉम से होगा तो इसका जो शैडो होगा बताओ जरा शैडो वो किधर मूव करेगा, लेफ्ट मूव करेगा, ठीक है। अच्छा बताना जरा जब पार्टिकल यहां होगा, पार्टिकल यहां होगा इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है टेंजेंट कूलॉम होगा सर्कल का, तो बताओ जो इसका शैडो होगा शैडो वो इस डायरेक्शन मूव करेगा लेफ्ट मूव करेगा, जब ये अपन राइट एक्सट्रीम पर होगा राइट एक्सट्रीम पर टोटल वेलोसिटी अलोंग वाई होती है ऊपर तरफ होगा, यहां पर जो इसकी टोटल वेलोसिटी हो जाएगा यहां पर हॉरिजॉन्टल टोटल हॉरिजॉन्टल वो क्या हो जाएगा जीरो है क्योंकि यहां पर इस पॉइंट पर जो पार्टिकल वेलोसिटी होती है वो वाई डैश में होती है, एक्स क्रॉस वेलोसिटी नहीं होता है, इसे हम बोलते हैं लेफ्ट एक्सट्रीम क्योंकि यहां पर जो इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है शैडो का क्या हो जाता है जीरो हो जाता है, इस पॉइंट पर हम बोलते हैं माइनस एक्स बराबर माइनस, इसे हम बोलते हैं लेफ्ट एक्सट्रीम, क्या बोलते हैं लेफ्ट एक्सट्रीम, ठीक है, क्या बोलते हैं लेफ्ट एक्सट्रीम, ठीक है। अच्छा बताओ जो पार्टिकल यहां होगा इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा टेंजेंट कूलॉम होगा तो बताओ इसका शैडो होगा वापस ये अभी डायरेक्शन मूव करेगा, पहले शैडो गया राइट साइड मीन से एक्सट्रीम तरफ, फिर आया एक्सट्रीम से मीन तरफ लेफ्ट डायरेक्शन में, फिर मीन से फिर आया एक्सट्रीम तरफ लेफ्ट डायरेक्शन में, फिर एक्सट्रीम से फिर जा रहा है मीन तरफ राइट डायरेक्शन में, तो लगातार क्या करता है मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन लगातार एसएचएम करता रहता है, इसका शैडो हॉरिजॉन्टल मूव करता है, पता है। यहां पर जो होता है उसकी पार्टिकल पास टोटल वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, आइए थोड़ा सा हम बातचीत कर लेते हैं इस पार्टिकल से, पार्टिकल पूछो क्या आप एक्सेलरेट कर रहे हो रिकार्ड कर रहे हो, तो पार्टिकल कहे भैया देखो मेरी जो वेलोसिटी है इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा होती है कहां पर, इसे हम बोलते हैं x बराबर 0 इसे हम बोलते हैं मीन पोजीशन, क्या बोलते हैं मीन, तो पार्टिकल कहेगा सर मेरी वेलोसिटी इस मीन पॉइंट पर सबसे ज्यादा होती है लेकिन मेरी वेलोसिटी मीन से जैसे जैसे आगे जा रहा हूं मेरी वेलोसिटी लगातार कम हो रही है, कम करने वाला है कौन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भैया हमेशा सच्चा में ध्यान रखना टुवर्ड्स किधर होता है मीन पोजीशन, एक्सेलरेशन सच्चा में हमेशा किधर होता है मीन पोजीशन की तरफ, यही एक्सेलरेशन जो है वो मेरी वेलोसिटी लगातार कम कर रहा है सर, मेरी वेलोसिटी को घटाता जा रहा है और इस एक्सट्रीम पॉइंट पर लाकर मेरी वेलोसिटी को जीरो कर दिया, तो बाकी का ठीक है सर कोई बात नहीं लेकिन मैं यहां रुकता हूं सर, लेकिन रुकता हूं सिर्फ एक सेकंड के लिए, फिर वापस जो एक्सेलरेशन मेरी वेलोसिटी को घटा रहा था वही एक्सेलरेशन मेरी वेलोसिटी को जीरो से फिर यहां पर मैक्सिमम करेगा, फिर मैक्सिमम से फिर जब यहां आऊंगा फिर वेलोसिटी जीरो हो जाएगा,
फिर जीरो से थ्री मैक्सिमम होगा, तो मैं अपनी वेलोसिटी को पहले मैक्सिमम करता हूँ, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, तो ये लगातार मैं ऐसे जंप करता रहता हूँ। तो ये पार्टी बताओ, पहले टी बाई फोर सेकंड में, ये टी बराबर जीरो की बात थी, टी बराबर जीरो का, ये पहले टी बाई फोर सेकंड में, टी बाई फोर सेकंड में कहाँ पहुंच जाता है, मीन से एक्सट्रीम, कहाँ पहुंच जाता है, मीन से एक्सट्रीम, पहले टी बाई फोर सेकंड में। अच्छा बताओ, पहले टी बाई फोर सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर गया बताना, जो ये डिस्टेंस होता है ये होता है आपका एम्पलीट्यूड ए के बराबर, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा एम्पलीट्यूड ए के बराबर, क्योंकि आपका ए एक्स बराबर जीरो है, ए का प्लस ए, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा एक्स बराबर ए, ये हो जाएगा एक्स बराबर ए, डिस्टेंस बात कर रहा हूं। तो पहले टी बाई फोर सेकंड में मीन से जब एक्सट्रीम गया तो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया ए, फिर बताओ एक्सट्रीम से फिर मीन पाएगा, ये आपका एक्सट्रीम है, ये आपका मीन है, ठीक है, ये आपका लेफ्ट एक्सट्रीम है, पहले मीन से गया एक्सट्रीम, कितने समय गया टी बाई फोर सेकंड में, कितना डिस्टेंस कवर किया, ए डिस्टेंस कवर किया एम्पलीट्यूड के बराबर, फिर बताओ एक्सट्रीम से फिर मीन आया, एक्सट्रीम से फिर मीन आया, कितने समय आया टी बाई फोर सेकंड में आया, तो टी बाई फोर जाने में, टी बाई फोर आने में जब यहां तक आया तो उसके पास जो टोटल टाइम हो जाएगा, हो जाएगा टी बाई टू, क्यों, क्योंकि टी बाई फोर गया मीन से एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम से फिर मीन आया टी बाई फोर सेकंड में, तो टोटल टाइम हो जाएगा टी बाई टू, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया इस टी बाई टू सेकंड में, पहले गया ए फिर आया ए, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा टू ए, तो बताना फिर टी बाई टू से फिर टी बाई फोर और समय लेगा, वो कहां पहुंच जाएगा, यहां पर लेफ्ट एक्सट्रीम पर, कितने समय पहुंच जाएगा बताना जरा, थ्री टी बाई टी बाई टू में, और आप टी बाई फोर एड कर देंगे तो आएगा थ्री टी बाई फोर, थ्री टी बाई फोर में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, तो पहले गया ए फिर आया ए मीन से, फिर बताओ मीन से फिर एक्सट्रीम आया, कितना कर लिया कवर, थ्री ए, कितना कवर कर लिया, थ्री ए, कितने समय में भैया, थ्री टी बाई फोर, हमसे पूछे हैं कि वन टाइम पीरियड, बताओ थ्री टी बाई फोर में थ्री डिस्टेंस कवर कर लिया, फिर टी बाई फोर और समय देता है वो एक्सट्रीम से फिर कहां पहुंच जाता है, मीन पर, टी बाई फोर से फिर एक्सट्रीम से फिर मीन पहुंचता है, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, बताओ यार वो कितना हो जाएगा, टी, टोटल टाइम हो जाएगा टी, थ्री टी बाई फोर में टी बाई फोर ऐड करेंगे तो टोटल टाइम हो जाएगा टी, आपका टोटल टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो यहां से एक्सट्रीम से फिर मीन जाएगा, कितना कवर कर लेगा, ई, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा भैया, पहले गया मीन से एक्सट्रीम, टी बाई फोर सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, ई, फिर एक्सट्रीम से फिर मीन आया, कितने समय में टी बाई फोर सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, ए, तो टी बाई टू सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, टू ए, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, टू ए, अब फिर बताओ जरा फिर मीन से फिर एक्सट्रीम आएगा, कितने समय में आएगा टी बाई फोर सेकंड में, तो टोटल टाइम हो जाएगा थ्री टी बाई फोर, उस थ्री टी बाई फोर सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, ए जाने में, ए आने में, फिर आने में, थ्री ए, फिर थ्री टी बाई फोर से फिर टी बाई फोर सेकंड और लिया, कहां पहुंच गया मीन पर, कंप्लीट वन टाइम पीरियड में, कितना थ्री ए प्लस ए, जो टोटल टाइम अब डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगा वो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा इन वन टाइम पीरियड, कंप्लीट वन टाइम पीरियड में कितना हो जाएगा, फोर ए, कितना हो जाएगा, फोर ए, तो कंप्लीट वन टाइम पीरियड में टोटल डिस्टेंस कवर कर लेगा, पार्टिकल कितना कर लेगा, फोर ए, पहले ही आंसर है। अच्छा हमसे ये पूछ लेते कितना डिस्प्लेसमेंट होता, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता, जीरो, क्यों, क्योंकि यहां से गए हैं फिर वापस वहीं आ गए हैं, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, तो आपसे कुछ ही पूछ सकते हो, देखो पूछा गया सवाल है, कॉन्सेप्ट का सवाल है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए बस, ये और अच्छा सवाल कह रहे हैं कि जब रेडियस ऑफ सर्कल कह रहे हैं कि पीरियोडिक दिया गया है, हमसे कह रहे हैं कि इसमें बताइए ये सत्य का कौन सा इक्वेशन होगा, बताओ जरा, हम मान लो टी बाई जीरो कह रहे हैं, पार्टिकल मान लो यहाँ पर टी बराबर जीरो, पार्टिकल यहाँ पर, मैंने मान लिया कि टी बराबर टी पर पार्टिकल यहाँ आ गया, टी बराबर टी पर पार्टिकल यहाँ गया, और इस पॉइंट का मतलब इस पॉइंट मान लीजिए पी, क्या मान लीजिए पी, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो एक्स का वाई, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो एक्स का वाई, मतलब ये है कि ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा आपका वाई, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा वाई, और ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका ये हो जाएगा एक्स, कितना हो जाएगा एक्स। अच्छा जब यहाँ पाएगा तो यहाँ सर्फिस बताओ ये एंगल कितना हो जाएगा, भैया ये एंगल हो जाएगा आपका थीटा, कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। अच्छा ये वाई है तो ये भी वाई हो जाएगा, ठीक है, इसमें जरा लगाओ कॉस थीटा, इस इक्वेशन में लगा कॉस थीटा, बताओ जरा ये आपका कितना, ये आपका एक्स है, तो कॉस थीटा वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ जरा, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे का मतलब बेस बटे हाइपर, बताओ कॉस थीटा, तो बेस कौन सा हो जाएगा बताओ, बेस हो जाएगा आपका ये वाई, ठीक है, तो वाई। अच्छा इसका हाइपोटेनस बता सकते, कितना हाइपोटेनस ये हो जाएगा ए, कितना हो जाएगा ए, ए का वैल्यू दिया है आपका थ्री मीटर, ये आपका ए हाइपोटेनस, ए रेडियस के बराबर, ये हो जाएगा आपका थ्री, यहाँ से बताओ जो वाई का वैल्यू आ गया तो कितना आ गया थ्री कॉस थीटा, ये आ गया आपका वाई की वैल्यू, ये तो आपका इक्वेशन आपका सच्चा में, लेकिन इन्होंने ऐसे नहीं किया, उन्होंने दिया है टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में, इन्होंने दिया है टाइम पीरियड है भाई टी बाई फोर सेकंड, जो कंप्लीट टाइम पीरियड है वो टी बाई फोर सेकंड। अच्छा थीटा क्या होता है, थीटा अगर आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा है तो थीटा बराबर होता है ओमेगा टी, बोले दोस्तों, प्लस वन बाई टू अल्फा इंटू टी का स्क्वायर, ये होता है थीटा,
क्या होता है थीटा, लेकिन ये पार्टिकल जो है ये कांस्टेंट ओमेगा स्पीड से क्या करता है रिवॉल्व करता है, तो इस अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट होती है। यहां से थीटा का वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा, थीटा का वैल्यू आ जाएगा ओमेगा टी, कितना आ जाएगा ओमेगा टी। अगर है कि जो टी होता है टाइम पीरियड होता है, तो आप जरा यहां से बताओ थीटा ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाय टी, ठीक है 2 पाई बाय टी, तो बताओ टी टाइम पीरियड दे रहा है कितना समय दे रहा होता है, टाइम पीरियड का रहेगा 4 सेकंड है इनटू टी करो यहां पर इनटू टी किसी जरा टाइम पर, तो थीटा बराबर हो जाएगा 2 पाई डिवाइड बाय 4 इनटू टाइम टी, यहां आ जाएगा आपका पाई टी बाय 2, कितना आ जाएगा पाई टी बाय 2, ये आ जाएगा थीटा का वैल्यू। अरे ओमेगा ओमेगा वैल्यू क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी, याद रखिएगा जो ओमेगा होता है उसका वैल्यू होता है 2 पाई बाय टी, टी क्या होता है टाइम पीरियड होता है, तो टाइम पीरियड हो जाएगा कितना 4 सेकंड, यहां रखेंगे तो 2 पाई बाय 4 कट जाएगा, तो पाई टी बाय 2, तो थीटा जगह आप लिख दीजिए पाई टी बाय 2, यहां से बताओ यही जो इक्वेशन आ जाएगा सेक्शन का कितना आ जाएगा 3 cos पाई टी बाय 2, ये हो जाएगा आपका सेक्शन का इक्वेशन। तो आप आंसर में करो 3 cos t पाई टी बाय 2 वेयर y इज इन मीटर, तो आपका जो फोर्थ आंसर जगह जगह करेक्ट हो जाएगा। अच्छा सवाल था, नेक्स्ट फिर नंबर बढ़िया सवाल है, देखो करें कि पेंडुलम हम फ्रॉम रूफ ऑफ सफिशिएंट करें कि हाई बिल्डिंग करें इज मूविंग फ्रीली लाइक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर करें, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल बाय द पेंडुलम 20% एट डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द मेन पोजीशन। देखो जब भी सिस्टम का सवाल हो, जब भी ये सिस्टम का सवाल हो, आप बनाइएगा तीन लाइन, कितना बनाइएगा तीन लाइन, एक बनाइएगा x बराबर माइनस, एक बनाइएगा x बराबर माइनस जिसे हम बोलते हैं हम लोग लेफ्ट एक्सट्रीम, ठीक है, दूसरा बनाइएगा x बराबर प्लस है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं राइट एक्सट्रीम, और तीसरा बनाइएगा मीन x बराबर जीरो, x बराबर जीरो। सारा डिस्कशन हमें मीन से करना होता है, कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन दिया कह रहे हैं कि कितना है 20 मीटर पर सेकंड एट डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन, मतलब मीन से मान लीजिए कोई 5 मीटर है इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन दिया, बताओ कितना 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बताओ इस सिस्टम में जो एक्सेलरेशन होता है e वो होता है आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x, e बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x, ये होता है एक्सेलरेशन, माइनस का रिप्रेजेंट करता है माइनस, रिप्रेजेंट करता है कि जो एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स मीन पोजीशन, मतलब हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है, एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी के अपोजिट होता है। बताओ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड ले लोगे मैग्नीट्यूड, तो एक बल कितना आ जाएगा बता दो उसको, ओमेगा स्क्वायर एक्स, कितना आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर जो एक्स होता है कहां से होता है, एक्स होता है फ्रॉम मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन से कह रहे हैं कि कितने डिस्टेंस पर 5 मीटर, कह रहे हैं एक्सेलरेशन है कितना 20 मीटर, मतलब 20 मीटर एक्सेलरेशन दे रहे हैं, ठीक है ओमेगा स्क्वायर कितने डिस्टेंस पर करंट 20 मीटर है 5 मीटर पर है, ठीक है जैसे 5 से डिवाइड कर जाएगा कितने टाइम्स में 4 टाइम्स में, तो ओमेगा स्क्वायर वैल्यू हो कितना जाएगा 4, अगर ओमेगा स्क्वायर वैल्यू 4 तो बताओ ओमेगा वैल्यू कितना आ जाएगा, ओमेगा वैल्यू आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा, अगर ओमेगा स्क्वायर वैल्यू 4 है तो ओमेगा वैल्यू आ जाएगा 2 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा आपको ओमेगा। हमसे पूछे हैं टाइम पीरियड, अभी फार्मूला लिखा था जो टाइम पीरियड होता है टी, वो टी बराबर होता है 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा, एक होता है टी बाई 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा, ओमेगा वैल्यू निकाल चुके हो तो 2 पाई डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा तो टाइम पीरियड वैल्यू कितना आ जाएगा पाई सेकंड, कितना आ जाएगा पाई सेकंड, दिस इज द टाइम पीरियड। बताओ सवाल में क्या है, अच्छा सवाल देखो वो भी 18 पूछा गया सवाल है ये पाई सेकंड, बस आपको ये चीज याद रखनी है एक्सेलरेशन होता है सच में माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस से प्रेजेंट करता है, तो जो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी के अपोजिट होता है या एक्स का अपोजिट होता है, और ये जो आपका ये डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और इस सच्चन के हर सवाल में आप ये चीज बनाइएगा, ठीक है, और एक सर्कल बना लीजिएगा सारे सवाल हो जाएंगे आसानी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्या करें क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि पार्टिकल स्टूड लीनियर हार्मोनिक सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एन एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर व्हेन पार्टिकल एट डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मेन पोजीशन। फिर वही चीज कहूंगा कि आप बनाइएगा 3 x बराबर माइनस है, अच्छा इन्होंने कहा है कि जो एम्पलीट्यूड है वो कितना बता दे रहा है एम्पलीट्यूड 3 है, तो यह जाएगा माइनस 3 सेंटीमीटर, ठीक है, एक बनाइएगा राइट एक्सट्रीम x बराबर प्लस 3 सेंटीमीटर, तीसरा बनाना है मीन पोजीशन, कह रहे हैं कि जब वो 2 सेंटीमीटर दूरी पर था यहाँ पर मान लो
ये आपका 2 सेंटीमीटर ठीक है, ये आपका 2 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं कि इस पॉइंट पर द मैग्नीट्यूड ऑफ द इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन, मतलब इस 2 सेंटीमीटर को उस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड और जो एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड दोनों आपस में बराबर है। मैग्नीट्यूड बराबर है इस x = 2 सेंटीमीटर पर उस पार्टिकल का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मतलब वेलोसिटी बोला मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी ठीक है, एंड इक्वल टू द एक्सेलरेशन, मतलब ये है कि v की वैल्यू ठीक है किसके बराबर, मैग्नीट्यूड a के बराबर है, ये कहा गया क्वेश्चन में, ये कहा गया क्वेश्चन। अब जरा बताओ इस पॉइंट पर वेलोसिटी होता कितना है, वेलोसिटी का फार्मूला होता है याद रख लीजिएगा v बराबर होता है ओमेगा रूट के अंदर a का स्क्वायर, a होता है एम्पलीट्यूड माइनस x का स्क्वायर, x क्या होता है, x होता है आपका मीन पोजीशन से डिस्टेंस, a होता है एम्पलीट्यूड, x होता है मीन पोजीशन डिस्टेंस और ये ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी या ठीक है। अच्छा कह रहे हैं कि x बराबर 2 सेंटीमीटर को, अच्छा एम्पलीट्यूड है कितना, एम्पलीट्यूड कितना 3 सेंटीमीटर, जरा बताओ यहां से जो वेलोसिटी आ जाएगा बोलो दोस्तों ओमेगा को बाहर कर लीजिए ठीक है रूट के अंदर ए स्क्वायर, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड है कितना 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा बोलिए दोस्तों, माइनस x स्क्वायर, x कहां से होता है मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन डिस्टेंस में दिया कितना 2 सेंटीमीटर और 2 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा रूट के ओमेगा रूट के अंदर 5, ये आ जाएगा आपका वेलोसिटी, कितना आ जाएगा वेलोसिटी ओमेगा रूट 5। ऐसा एक्सेलरेशन बताओ कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर x होता है, क्या होता है ओमेगा स्क्वायर x, तो ओमेगा स्क्वायर वैसे रख लीजिए और जो x कर रहे हैं वो 2 सेंटीमीटर इसको आप यहां पर रख लीजिए ठीक है, इन दोनों का कर दो आप बराबर कर दो क्योंकि इन्होंने बोला है कि वेलोसिटी और फ्रिक्शन आपस में बराबर है, तो ओमेगा स्क्वायर 2 और ओमेगा 5 क्या हो जाएगा आपस में रूट 5 बराबर हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर * 2 बराबर ओमेगा * रूट 5 आपस में बराबर होगा क्योंकि इन्होंने बोला है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और फ्रिक्शन मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, मतलब 1 ओमेगा से 1 ओमेगा कट जाएगा, यहां से ओमेगा का वैल्यू कितना आ जाएगा रूट 5 डिवाइड बाय 2 दिया जाएगा आपका ओमेगा, ये क्या जाएगा इसको नीचे डिवाइड कर दे देगा ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा तो जाएगा √5/2। हमसे पूछे हैं देयर इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड बताओ, अभी फार्मूला बताया था टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड का फार्मूला होता है टी बराबर होता है 2π/ओमेगा, 2π/ओमेगा ये होता है टाइम पीरियड का फार्मूला ठीक है, टाइम पीरियड का फार्मूला ओमेगा निकाल चुके हो कितना है √5/2, वहां वैल्यू रख देंगे पता चले टाइम पीरियड वैल्यू आ जाएगा रूट 5 तो 2 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे चला जाएगा बता देगा कितना हो जाएगा 4π डिवाइड बाय √5 डिवाइड बाय √5 ये जाएगा टाइम पीरियड की वैल्यू, तो मेरा बोलो है कितना वेयर वैल्यू हां बताओ कितना आ जाएगा, ये कनेक्ट कर जाएगा तो मैं √5/2 यहां रखेंगे तो √5 नीचे चला जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा 4π/√5 का पर जो आंसर जाएगा हो जाएगा 4π/√5 हो जाएगा टाइम पीरियड, क्या है सवाल कोई जरूरी सवाल नहीं, बस इस चीज को आप बनाइएगा ठीक है, राइट एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम मीन और वेलोसिटी का जो होता है फार्मूला और एक्सेलरेशन फार्मूला ये होता है, इसको आप याद रखना ठीक है, बाकी सारे सवाल हो जाएंगे ठीक है। नेक्स्ट आई नंबर कर रहे स्प्रिंग बढ़िया सवाल, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट के कर रहे स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट के कट इनटू लेंथ ऑफ द रेशियो 1:2 कर रहे दे आर कनेक्टेड इन द सीरीज एंड द न्यू फोर्स कांस्टेंट का इतना इतना है कट ठीक है, कह रहे कोई स्प्रिंग है ध्यान से देखना, ये मान लो कोई स्प्रिंग है ठीक है, कह रहे हैं कि इसका मान लो स्प्रिंग कांस्टेंट k है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, कह रहे हैं कि इस स्प्रिंग को उन्होंने काट दिया तीन लेंथ में और उसका रेशियो 1:2:3 दिया हुआ है, तो अगर इसका रेशियो 1:2:3 है तो टोटल लेंथ आप कितना मानेंगे 6x मानेंगे क्योंकि इसको ऐड करने पर टोटल लेंथ आना चाहिए, तो टोटल लेंथ मान लो आप 6l, इस स्प्रिंग का टोटल लेंथ कितना मान लीजिए 6l ठीक है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है स्प्रिंग कांस्टेंट k वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/ लेंथ, ये होता है स्प्रिंग कांस्टेंट ठीक है, जो स्प्रिंग का लेंथ होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इस प्रोपोर्शन को अगर हटाओ गया जो k की वैल्यू आंसर आता है मान लो कोई कांस्टेंट मान लो p, क्या मान लीजिए p डिवाइड बाय 6 है, क्या मान लीजिए 6 है, यहां से बताओ p / l की वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा p / l की वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ 6 की, कितना आ जाएगा 6 की, क्यों लिख रहा हूं अभी देखिएगा, अगर आपने स्प्रिंग कट कर दिया, स्प्रिंग को कट कर दिया, इसका लेंथ अगर आपने चेंज कर दिया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा, पहले हम निकालेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट फिर उसको ऐड करेंगे एक बार सीरीज में फिर करेंगे और एक बार पैरेलल में, बताओ जरा पहला कारण है कि स्प्रिंग कट किया है उसका लेंथ l है, इन्होंने बराबर 1:2:3 तो आप मान लीजिए जो पहला स्प्रिंग आपने कट किया उसका लेंथ इन्होंने कहा है कि कितना है l ठीक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लीजिए की डैश k1 मान लो, कितना मान लो k1 मान लो, अच्छा बताओ k1 मान लो कितना आ जाएगा,
कि मैं क्या बताओ यार, वही पर प्रश्न हटाओगे यहाँ से तो यहाँ से आ जाएगा पी अपॉन एल, पी अपॉन लेंथ एल, ठीक है किसका लेंथ एल है, बताओ एल पी अपॉन एल बोलो अभी ये निकाला कितना 6 के है, यहाँ से रख दीजिए पी अपॉन एल कितना आ जाएगा 6 6 के बताओ कट जाएगा यहां से k2 को कितना आ जाएगा यहां से k2 को हो जाएगा आपका 3k कितना आ जाएगा 3k जो k2 को आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3 का आ जाएगा जो तीसरा स्प्रिंग है उसका लेंथ 3 है तो तीसरा स्प्रिंग बनाइए सवाल थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला बाकी सवाल कोई दम है नहीं इसको स्प्रिंग मान लीजिए k3 इस स्प्रिंग कांस्टेंट मान लीजिए k3 लेंथ मान लीजिए 3 है मतलब k3 को यहां से कितना हो जाएगा p upon 3 ये देखोगे अच्छा p upon l इक्वल यहां से कितना है 6 के है कि हर भी ये आ जाएगा आपका 6 के डिवाइड बाय 3 ये कट जाएगा कितना टाइम्स में 2 टाइम्स में हो जाएगा आपका 2 के ठीक है k3 इक्वल कितना आ गया 2 के आ गया ठीक है क्लियर कर दो इनको k1 इक्वल 6 के k2 इक्वल 3 के और k3 इक्वल 2 के अब करना है कि इन तीनों को आपने कट कर दिया अब कट करके इनको लगा दिया सीरीज में किस में लगा दिया सीरीज में बोला इन्होंने फोर्स कांस्टेंट क्या है करंट देन दे कनेक्टेड इन द पैरेलल एंड सीरीज करंट जब अपने सीरीज में ऐड किया तो के इक्विवेलेंट करंट के डैश है अच्छा जब सीरीज में वाइट ऐड करते हो सीरीज में तो जो के इक्विवेलेंट होता है के इक्विवेलेंट तो क्या होता है के1 कैसे करो जो के इक्विवेलेंट होता है 1 अपॉन के इक्विवेलेंट जैसे वहां कैपेसिटर में होता था ना कैपेसिटर में जब कैपेसिटर को कमांड करते थे सीरीज में तो 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 सेम वही चीज यहां पर होगा 1 अपॉन K इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3 तो 1 अपॉन K इक्वल टू बराबर K1 K कितना बराबर होगा K बराबर 1 अपॉन K1 K1 वैल्यू कितना 6 के है K1 वैल्यू 6 के ठीक है प्लस 1 अपॉन K2 K2 वैल्यू कितना है 3 के है तो 1 अपॉन K2 3 के हो जाएगा 1 अपॉन K3 k3 को कितना है 2 के है ठीक है इसको एलसीएम लेकर अगर निकालोगे आप तो k डैश की वैल्यू आ जाएगा सी का जाएगा p k डैश की वैल्यू कितना आ जाएगा k आ जाएगा या आपका k डैश जब हम ऐड किया किसमें सीरीज में इसको एलसीएम लेकर 6 आ जाएगा सारे भी कट जाएंगे k डैश की वैल्यू आ जाएगा k या सीरीज में ऐड किया k फ्रंट आ गया फिर कह रहे हैं कि नाउ कनेक्टेड इन द पैरेलल पैरेलल में ऐड किया k इक्वल टू है k डैश है अच्छा पैरेलल में ऐड करोगे तो k इक्वल टू क्या होता है पैरेलल में के डैश में बराबर पैरेलल में ऐड करोगे तो जाएगा k1 प्लस k2 प्लस k3 जैसे वहां पर कैपेसिटर में ऐड करते थे c1 प्लस c2 प्लस c3 से वही चीज k1 k1 प्लस k2 प्लस k3 तो यहां से होगा k डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा k डैश इक्वल k1 वैल्यू बताओ कितना था k1 वैल्यू कितना था 6 6 के रख दीजिए k2 वैल्यू कितना था 3 के k3 वैल्यू कितना था 2 के था इन सबको ऐड करो तो आ जाएगा 11 की कितना आ जाएगा 11 की क्या गया आपका k डबल डैश ये कितना का k डबल डैश जब हम स्टार्ट किया किसमें पैरेलल में हमसे रेशियो पूछा है k डैश अपन k डबल डैश मतलब सीधे में डिवाइड किया मतलब पहले में ऐड किया उसका रेशियो बताओ जो रेशियो आ जाएगा रेशियो इसको हम लिख रहा हूं देखना जरा k डैश डिवाइड बाय k डबल डैश ठीक है k डैश बोल बताओ कितना था k था ठीक है k डबल डैश बोल कितना था 11 k था ये कट जाएगा कितने बार हो k कट जाएगा तो जाएगा 1 is to 11 तो जो आपका रेशियो हो जाएगा k डैश अपॉन k डबल डैश उसका जो रेशियो हो जाएगा वो जाएगा 1 is to 11 तो आपका यही आंसर है सेकंड वाला ये क्या हो जाएगा राइट आंसर सवाल में कहीं भी दम नहीं था अच्छा सवाल सारे पूछा गया सवाल ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था ये अलग अलग स्क्रीन काट दिया आपने अलग अलग लेंथ रख दिया अलग अलग लेंथ रख दिया तो अलग अलग स्प्रिंग कॉन्स्टेंट भी हो जाएगा तो पहले हम फाइंड करेंगे हर एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट फिर उसको ऐड करेंगे सीरीज में फिर निकालेंगे के इक्विवेलेंट फिर उसको ऐड करेंगे पैरेलल में फिर निकालेंगे के इक्विवेलेंट दोनों क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे फिर निकल जाएगा आपका के डैश अपॉन के डबल डैश यही कोई दिक्कत नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं और स्प्रिंग को लोअर एंड से क्या कर दिया गया एक मास को अपने अटैच कर दिया गया ठीक है
बोला है ना समझ में कि इस मास कॉन्टेंट कर दिया मतलब स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के मान लो, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के मान लो, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है ठीक है, और स्प्रिंग मास सिस्टम है, स्प्रिंग मास सिस्टम का जो टाइम पीरियड होता है, स्प्रिंग मास सिस्टम का जो टाइम पीरियड होता है वो टी बराबर होता है 2 पाई रूट के अंदर एम बाई के, रूट के अंदर एम बाई के होता है स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड, एम होता है इसका मास, ए के होता है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ठीक है। अब देखो कर रहे हैं कि when the mass m is slightly pulled down and released the acceleration time period is 3 second, कारण जब आप इस मास को slightly मतलब पुल कर रहे हो, खींच रहे हो धीरे धीरे, खींच रहे हो धीरे धीरे, खींच रहे हो धीरे धीरे, प्याज को बढ़ाना है एंड क्रॉस द बॉर्डर हद से गुजर जाना है, कारण धीरे धीरे खींच रहे हैं आप, कारण जब धीरे धीरे खींच रहे हो कारण जो इसका टाइम पीरियड आ रहा है तो कितना कर रहा है 3 सेकंड, कितना कर रहा है 3 सेकंड, तो यहां पर आप रख लो 3 सेकंड 2 पाई रूट के अंदर m / k, तो m / k इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो ठीक। अब कह रहे हैं कि व्हेन द मास m इज इंक्रीज 1 kg द टाइम पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन बिकम्स 5 सेकंड, कह रहे आपने मास को इंक्रीज कर दिया कितना 1 kg तो टाइम पीरियड बिकम्स 5 सेकंड, मतलब टाइम पीरियड बढ़ गया 3 सेकंड से 5 सेकंड, तो 2 सेकंड बढ़ गया कब, जब हमने मास को 1 kg ऐड कर दिया तब, बताओ जरा 5 सेकंड हो गया सेम वही थी उसी फार्मूला की टाइम पीरियड 5 सेकंड 2 पाई रूट के अंदर m / k होता है, रूट के अंदर m / k, अब m में आपने 1 kg और ऐड कर दिया है तो बताओ यहां से कितना हो जाएगा, रूट के अंदर m प्लस 1 डिवाइड बाय k, ये हो जाएगा आपका न्यू टाइम पीरियड, उसके साथ हो जाएगा आपका ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दीजिए, 1 को 2 में आपस में डिवाइड कर दीजिए तो बताओ कितना आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 5 बराबर 2 / 2 / कैंसिल हो जाएगा, k भी कैंसिल हो जाएगा, तो रूट के अंदर क्या बचेगा m अपॉन m प्लस 1, रूट के अंदर बचेगा m डिवाइड बाय m प्लस 1, ये बन जाएगा आपका रूट के अंदर, दोनों तरफ कर दी स्क्वायर, दोनों तरफ कर दी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, इधर से रूट हट जाएगा तो क्या बनेगा m डिवाइड बाय m प्लस 1 ठीक है, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 9m प्लस 9 बराबर कितना आ जाएगा 25m ठीक है, इसको उधर भेज दीजिए तो 9 बराबर हो जाएगा आपका घट जाएगा तो 16m हो जाएगा ठीक है, तो जो m की वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 9 डिवाइड बाय 16 ठीक है, ये आ जाएगा मास की वैल्यू, वही हमसे पूछे हैं कि तुम वैल्यू का मास इन केजी, तो आपको जो वैल्यू आ जाएगा मास कितना आ जाएगा 9 / 16 का, जब टाइम पीरियड कब था 3 सेकंड, जब हमने मास इसको हैंग कराया था तब का मास पूछ रहे हैं, अगर हमने 1 kg बढ़ाया था तो टाइम पीरियड बढ़ गया था, तो मास पूछ रहे हैं, सिंपल दोनों क्वेश्चन डिवाइड कर दीजिए आंसर आ जाएगा, बस आपको ये फार्मूला याद रखना है, टाइम पीरियड स्प्रिंग मास सिस्टम का t / 2 / रूट के अंदर m / k, k होता है k इक्विवेलेंट, हालांकि एक ही स्प्रिंग है मैंने एक ही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करें पार्टिकली एक्सिट्यूड सिंपल हाल मोशन कर रहे हैं, इस मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फा एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज बीटा, कह रहे हैं कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताओ, जो एक्सेलरेशन को बताया था फंक्शन वो कितना होता है, ए बराबर आता था एम्पलीट्यूड ओ मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्या होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये होता है एक्सेलरेशन का फंक्शन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स ठीक है, कह रहे हैं एक्सेलरेशन और वेलोसिटी मैक्सिमम, अच्छा एक्सेलरेशन है ये, अच्छा वेलोसिटी बताओ कितना होता है ओमेगा रूट के अंदर ए स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये होता है वेलोसिटी का फंक्शन, ये फंक्शन ऑफ एक्स, हमसे कह रहे हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है एक्स बराबर जीरो पर, बताया था पहले सवाल में कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी होता है पार्टिकल का कहां होता है एक्स बराबर जीरो पर, मतलब मीन पोजीशन पर, तो यहां पर अगर एक्स की वैल्यू हम जीरो रख देंगे तो पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा कहां होगा मीन का, मीन पर जो वेलोसिटी होता है पार्टिकल का सबसे ज्यादा होता है मैक्सिमम होता है, तो जब जीरो तो वी की वैल्यू कितना आ जाएगा ए ओमेगा, कितना आ जाएगा ए ओमेगा, कितना आ जाएगा ए, क्योंकि ए स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा सिर्फ बनेगा ए ओमेगा, ये मैक्सिमम स्पीड है उसका, मैक्सिमम स्पीड है ठीक है, फिर होता है एक्सेलरेशन करें मैक्सिमम, एक्सेलरेशन मैक्सिमम बताओ कहां पर, जब एक्स की वैल्यू कितना हो जाए ए, क्योंकि एम्पलीट्यूड के बराबर, क्योंकि मैक्सिमम एक्स कहां तक जा सकता है एम्पलीट्यूड के बराबर उससे ज्यादा जा नहीं सकता है, तो मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन होगा वो कहां पर होता है एक्सट्रीम पॉइंट पर, कहां पर होता है एक्सट्रीम पॉइंट, मतलब आपको ए मैक्स अगर देखना है इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं तो आप लिखो ओमेगा स्क्वायर इनटू ए ठीक है, जब x की वैल्यू क्या हो जाए एम्पलीट्यूड के वैल्यू के बराबर, जब x की वैल्यू एम्पलीट्यूड के वैल्यू बराबर हो जाएगा, क्योंकि x मैक्सिमम कहां तक जा सकता है एम्पलीट्यूड के बराबर उससे अधिक जा नहीं सकता है, तो वहीं वहां पर उसके एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होगा सबसे ज्यादा होगा ओमेगा स्क्वायर ए, क्या है कि यह बराबर है ए मैक्स ठीक है बराबर कर रहा है वी मैक्स ठीक है, दोनों आपस में बराबर है, बताओ वी मैक्स को ए ओमेगा ठीक है, और ए मैक्स को बताओ कितना गया है ओमेगा स्क्वायर ठीक है,
मतलब एक ओमेगा से एक ओमेगा कट गया, इन्होंने बोला हुआ है ऐसा, इन्होंने दिया हुआ है कि कह रहे हैं कि मैक्सिमम जो है वेलोसिटी कितना है, ध्यान देखो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है भैया, मैक्सिमम कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन अल्फा है, मतलब ए मैक्स की वैल्यू अल्फा है, ठीक है, और अल्फा का वैल्यू कितना जाएगा बता देना, यहां से ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इसको इक्वेशन में पुट करना, ठीक है, उन्होंने दिया हुआ है ए मैक्स की वैल्यू कितना है अल्फा है और मैक्सिमम वेलोसिटी बीटा है, और वी मैक्स की वैल्यू बराबर नहीं है, ध्यान दीजिएगा बराबर नहीं है, ठीक है, तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो कह रहे हैं बीटा है, यहां पर जो मैक्सिमम वेलोसिटी में था ये था बीटा, यहां पर रख लो बीटा बराबर मैक्सिमम वेलोसिटी था कितना, ए ओमेगा, ए इंटू ओमेगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए, इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दो, दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करता हूं अल्फा बाई बीटा, अल्फा बाई बीटा तो वैल्यू कितना जाएगा बताओ, ए कट जाएगा, एक ओमेगा स्क्वायर से एक ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा सिर्फ ओमेगा डिवाइड बाई 1, देखो भैया ए से कट जाएगा, एक पावर से एक पावर कट जाएगा, सिर्फ बचेगा ओमेगा, यहां से ओमेगा वैल्यू कितना जाएगा अल्फा अपॉन बीटा, ओमेगा वैल्यू कितना जाएगा अल्फा अपॉन बीटा, हमसे पूछे हैं टाइम पीरियड, क्या पूछे हैं टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का फार्मूला आप एकदम रटे हैं, टी बराबर 2 पाई रूट बाई टी बाई 2 पाई इंटू टी बराबर 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा, एकदम याद है आपका, ओमेगा वैल्यू कितना अल्फा बाई बीटा, यहां रख दो बताओ टी की जो वैल्यू आ जाएगा और 2 पाई डिवाइड बाई अल्फा बाई बीटा, अल्फा बाई बीटा, बीटा ऊपर पहुंच जाएगा, टी की वैल्यू कितना जाएगा 2 पाई बीटा डिवाइड बाई अल्फा, ये हो जाएगा आपका उस पार्टिकल का टाइम पीरियड, 2 पाई बीटा डिवाइड बाई अल्फा, 2 पाई बीटा डिवाइड बाई अल्फा, फर्स्ट आंसर करेक्ट आंसर, सेम यही चीज रखना है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, इसी सारा सवाल बनेंगे, ठीक है, नेक्स्ट कर रहे हैं कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल से चूक सिर्फ हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, दिया हुआ y बराबर a नॉट a sin थीटा, इसको क्या करो ना, y दिया है y बराबर y नॉट प्लस a sin ओमेगा t, अब प्लस दिया हुआ है b cos ओमेगा t, ठीक है, अब क्या करेंगे इस y नॉट को इधर ला दो माइनस कर दो, y माइनस y नॉट, y माइनस y नॉट, इसको कोई नया वैल्यू दे दीजिए आप y डैश, ये हो जाएगा उस पार्टिकल का इक्वेशन y डैश, y माइनस y डैश बराबर कितना हो जाएगा a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, ठीक है, हमसे कह रहा है कि एम्पलीट्यूड बताना है, बताओ जरा ये जो है cos ओमेगा t ये पहले इसको बदल दिया sin में, कैसे बदलोगे, इसको लिख दो y बराबर y डैश बराबर क्या जाएगा बताओ जरा, a sin ओमेगा t प्लस इसको लिख दीजिए b है ना, b को बाहर कर लो, इस cos को लिख सकते हो sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, क्या ऐसा लिख सकते हैं, यस क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो sin पाई बाई 2 प्लस थीटा होता है cos थीटा होता है, इसको मैंने सिर्फ लिख दिया क्योंकि अब दोनों सेम फेज में हो गई, पहले cos था ये sin था, इसको मैंने किया सेम फेज, वो मतलब sin में किया, अब बताओ जरा इसका इक्वेशन देखो, इसको आप y1 मान लो, इसको आप y1 मान लो, ठीक है, इसको आप y2 मान लीजिए, इसको आप y2 मान लीजिए, तो सुपर पोजीशन हो गया, y डैश बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2, ये हो जाएगा ठीक है, अब जरा बताना y1 बन क्या है, a sin ओमेगा t, y2 बन क्या है b sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, मतलब जो y2 है वो पाई बाई 2 एंगल क्या कर रहा, लीड कर रहा है, देखिए जो इसका एम्पलीट्यूड है वो पाई बाई 2 एंगल लीड कर रहा है, अगर इसका फेजर डायग्राम बनाओगे फेजर डायग्राम तो ये आपका y1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा y1, उसका एम्पलीट्यूड बताओ कितना था, y1 का एम्पलीट्यूड कितना a है यहां पर, ठीक है, ये आपका y1 था, बताओ y1 का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना a है, ठीक है, y1 का एम्पलीट्यूड कितना है a है, जो y2 है उसका एम्पलीट्यूड भी है लेकिन वो जो है पाई बाई 2 एंगल क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, पाई बाई 2 एंगल ओमेगा t से हुई, ओमेगा t से हुई है लेकिन इसमें प्लस पाई बाई 2 और ऐड होकर आ रहा है, मतलब ये है कि ओमेगा में मतलब पाई बाई 2 क्या कर रहा है, एंगल लीड कर रहा है, मतलब ये है ये आपका y2 है, ठीक है, y2 जो है कितना b और ये एंगल कितना कितना लीड कर रहा है पाई बाई 2, ठीक है, ये एंगल पाई बाई 2 क्योंकि जो y2 है पाई बाई 2 एंगल लीड कर रहा है, पता नहीं था ये रिजल्टेंट आ जाएगा, दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री का अंतर है, एकदम बताओ रूट का अंदर सीधे से लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, हमसे यही पूछा है कह रहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑक्सीलेटरी गिवन, तो जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा बताओ कितना जाएगा, ए रिजल्टेंट हो जाएगा रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एक आपका नेट एम्पलीट्यूड, सेकंड ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन कुछ है, सिर्फ आपको इसको इसको चेंज करना था, कॉस को साइन करना था, जो y2 हो जाएगा y2 में रीडिंग हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्ट निकलना था, बस वही का था नेट एम्पलीट्यूड, नेक्स्ट
नहीं कर रहे तो वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन कर रहे हैं दिया है क्या है कि बताना है पता चला भाई बता मैंने जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स ये होता है इस ए को रखना है वाई एक्सिस पर एक्सेलरेशन रखना वाई एक्सिस पर बराबर माइनस ठीक है ओमेगा स्क्वायर एक्स को रखना एक्स एक्सिस पर तो आप जरा बताओ जो इक्वेशन बन रहा है क्या है वाई बराबर माइनस एम एक्स बन रहा है वाई बराबर माइनस एम एक्स माइनस क्या डिपेंड करता है माइनस डिपेंड करता है कि जो स्लोप है वो ग्रेटर मतलब निगेटिव है निगेटिव मतलब जो एंगल बनेगा आपका देखो पहला देखो इसमें स्लोप निगेटिव आ रहा है इसमें स्लोप निगेटिव आ रहा है देखो स्लोप यहाँ निगेटिव है माइनस ओमेगा स्क्वायर तो यही ऑप्शन हम अगर हो सकता है अच्छा दूसरे में देखिए इसमें स्लोप पॉजिटिव दे रहे हैं इसमें स्लोप पॉजिटिव है एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है मतलब माइनस से डिपेंड करता है कि जो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स मीन पोजीशन होता है बताओ माइनस मतलब स्लोप निगेटिव मतलब ये और ऑप्शन अच्छा स्लोप पॉजिटिव इसमें स्लोप पॉजिटिव इसमें स्लोप पॉजिटिव ये हो नहीं सकता है क्योंकि इसमें स्लोप नेगेटिव आ रहा है इसमें देखो यार फंक्शन बन रहा है वाई बराबर एम एक्स इसमें जो पैराबोलिक बना रहा है इसमें पैराबोलिक बना रहा है ये तो हो नहीं सकता है ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं सकता क्योंकि इसमें जो फंक्शन बना रहे हैं वो पैराबोलिक बना रहा है लेकिन हमारा जो फंक्शन आ रहा है वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है पासिंग थ्रू ओरिजिन स्लोप नेगेटिव तब तक आंसर जो है फर्स्ट पार्ट हो जाएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन स्लोप नेगेटिव ये भी पासिंग थ्रू ओरिजिन है लेकिन इसका स्लोप पॉजिटिव है इसलिए नहीं हो रहा है अगर मैग्नीट्यूड करते तो भी सही होता अगर कह देते हैं मैग्नीट्यूड तो फिर ये सही होता है मैग्नीट्यूड में कुछ बोला नहीं था डायरेक्शन लेंगे डायरेक्शन लेंगे तो इसमें स्लोप नेगेटिव है तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा करें कि द फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल सिंपल करें फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन होता है अगर किसी पार्टिकल का हम इक्वेशन मान लें सचम का ए साइन ओमेगा टी क्या मान लें ए साइन ओमेगा टी ठीक ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट हमें बनाना है एक्सेलरेशन तो क्या करोगे इसको डिफरेंशिएट करोगे v बराबर dx / dt क्या करेंगे dx / dt तो कितना जाएगा बताओ a ओमेगा into cos ओमेगा t ये तो आ गया आपका वेलोसिटी क्या आ गया वेलोसिटी आ गया ये हमसे एक्सेलरेशन पूछे हैं तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो क्या कर दो एक बार और डिफरेंशिएट a बराबर dv / dt a बराबर dv / dt बताओ कितना जाएगा a ओमेगा तो कांस्टेंट रहेगा ठीक है अच्छा ओमेगा अच्छा कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है माइनस होता है तो माइनस की हम बाहर निकाल लीजिए ठीक है इनटू ओमेगा पहले आएगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा इनटू साइन ओमेगा टी ये आ जाएगा आपका ठीक है अब जरा बताओ कहा है कि हमको बताना है फेज डिफरेंस बिटवीन ये डिस्प्लेसमेंट एंड द एक्सेलरेशन ये बताना है बताओ जरा अब बताओ जरा इसमें माइनस आ रहा है ये ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है साइन ओमेगा टी इसमें माइनस आ रहा है इस इक्वेशन को अगर हम चाहें और अच्छा से लिखना बताओ इस इक्वेशन को हम और अच्छा से अगर लिखें तो ये हो सकता है आपका ए ओमेगा स्क्वायर ए इंटू ओमेगा स्क्वायर इसको लिख दो साइन पाई प्लस ओमेगा टी पाई प्लस ओमेगा टी बताओ ये जो लिखा गया है और ये जो लिखा गया है ये दोनों वैल्यू सेम है क्योंकि इसमें तो माइनस पहले आ रहा है इसमें साइन एक्स ऑसी प्लस थीटा साइन एक्स ऑसी प्लस थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में पड़ता है जो कि नेगेटिव होता है साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी यही बाहर आ जाएगा तो ये जो लिखा गया है और ये जो लिखा गया दोनों वैल्यू आपस में सेम है बस इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिख दिया है फेज में लिख दिया बताओ जरा अब ये वैल्यू और ये वैल्यू इन दोनों जरा कंपेरिजन करो ये साइन ओमेगा टी है ये भी ओमेगा टी है इन दोनों फेज है कितना डिफरेंस पाई कितने का है पाई का है तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में जो फेज डिफरेंस है कितने का है पाई रेडियन अगर हमसे पूछते हैं वेलोसिटी क्या और डिस्प्लेसमेंट का इसको क्या अगर वेलोसिटी का पूछते तो इसको लिख दो ए ओमेगा साइन पाई बाय टू प्लस ओमेगा टी ठीक है पाई बाय टू प्लस ओमेगा टी बताओ इस ओमेगा टी इसमें भी ओमेगा टी इसमें भी है ठीक है इसमें फेज डिफरेंस कितना होता है पाई बाय टू तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का फेज डिफरेंस पाई बाय टू वेलोसिटी एक्सेलरेशन का फेज डिफरेंस पाई ये दोनों साइन क्यों करना है फेज मतलब होता है स्टार्टिंग फ्रॉम मतलब सेम पॉइंट से ये नहीं कि मान लीजिए हम कानपुर में है एक आदमी दिल्ली में आप उनके बीच में फेज डिफरेंस पता कर रहे हैं नहीं दोनों आदमी कानपुर से ही स्टार्ट होना चाहिए उनको फेज डिफरेंस निकलोगे इसलिए दोनों को साइन में कर रहे हैं नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी पोटेंशियल बताओ कितना होता है u बराबर होता है 1/2 k * x का स्क्वायर
के इंटू एक्स का स्क्वायर होता है पोटेंशियल एनर्जी। इस एक्स के वैल्यू यहाँ रख दीजिए आप, तो बनेगा 1/2 के इसका स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा आपका पोटेंशियल फंक्शन। इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी को और अच्छे से लिखे हम, तो बता जरा आपने पढ़ा होगा कॉस 2 ओमेगा टी, कॉस 2 ओमेगा टी होता है 1-2 साइन स्क्वायर ओमेगा, क्या होता है 1-2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ बताओ जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो वैल्यू आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो वैल्यू आ जाएगा 1-cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई किया जाएगा आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू। इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी वैल्यू यहाँ रख दीजिए जरा, थोड़ा कैलकुलेशन है थोड़ा देखिए, 1/2 के ए स्क्वायर ठीक है इंटू 1-cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई हो जाएगा आपका, इस सबको इसे मल्टीप्लाई कर दो, बताओ जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, सबको मल्टीप्लाई 1/2 के ए स्क्वायर इंटू 1/2 ठीक है, माइनस हो जाएगा 1/2 तो था ही प्लस 2 यार है तो हो जाएगा 4 के ए स्क्वायर इंटू आ जाएगा cos 2 ओमेगा टी, क्या आ जाएगा cos 2 ओमेगा टी। और जरा बताओ क्या पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, इससे आ गया पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन, बताओ जरा इसमें अगर टी था तो टी था, इसमें ध्यान से देखना इसमें ओमेगा है लेकिन इसमें ओमेगा नहीं, इसमें कितना है 2 ओमेगा है, इसमें ओमेगा था इसमें 2 ओमेगा था, ओमेगा का वैल्यू कितना 2π, यहां पर ओमेगा कितना है 2 ओमेगा है, तो 2 ओमेगा वैल्यू बताओ हम क्या लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी में भी 2π * nx, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा nx क्योंकि यहां पर ओमेगा था फ्रीक्वेंसी n था, यहां पर मैंने फ्रीक्वेंसी nx मान लिया, ओमेगा कितना 2 ओमेगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इन दोनों इक्वेशन क्या करके आपस में डिवाइड कर दीजिए, तो ओमेगा से बताओ कट जाएगा बचेगा 1/2 कितना बचेगा 1/2 बराबर, भैया इस 1 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा बचेगा 1/2 2π कट जाएगा बचेगा n/ns ये बनेगा n/ns की जो वैल्यू आ जाएगा जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का कितना आ जाएगा 2 है, जो पोटेंशियल एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना आ जाएगा 2 * सेकंड ऑप्शन, कहीं कोई दिक्कत। नेक्स्ट सब अच्छे आया था सवाल, 2021 का सवाल था ये, 2022 का सवाल देखिए जरा, कह रहे हैं स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, कह रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन व्हेन द मास 2 kg इज सस्पेंडेड बाय इट, कह रहे हैं कि ये कोई मान लीजिए स्प्रिंग है ठीक है, आपने क्या किया इसमें 2 kg मास क्या कर दिया सस्पेंड कर दिया ठीक है, 2 kg मास सस्पेंड कर दिया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k मान लीजिए ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया नहीं है लेकिन हम स्प्रिंग कांस्टेंट निकालेंगे विद गिवन इन्फॉर्मेशन, कह रहे हैं कि 10 न्यूटन फोर्स स्ट्रेच कर दिया, कह रहे हैं कितना स्ट्रेच होगा स्प्रिंग 5 सेंटीमीटर, बताओ जो एफ स्प्रिंग होता है, एफ स्प्रिंग वो होता है एफ क्या होता है के इंटू एक्स, क्या होता है के मतलब माइनस होता है, मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ माइनस लिख रहा हूँ, कह रहे हैं कितना फोर्स स्ट्रेच कर रहा है 10 न्यूटन, के कितना ये और स्ट्रेच होगा स्प्रिंग 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर तो 5 * 10 टू द पावर -2 कर दो मीटर में, बताओ यहां से के वैल्यू कितना आ जाएगा 200, कितना आ जाएगा 200 न्यूटन पर मीटर, यहां से के वैल्यू कितना आ जाएगा 200 न्यूटन पर मीटर, हमसे कह रहे हैं कि टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड स्प्रिंग मास सिस्टम है, अभी पिछले क्वेश्चन में फार्मूला लिखा था स्प्रिंग मास सिस्टम का जो फार्मूला होता है टाइम पीरियड का बताओ कितना होता है, बोलो भैया 2πm/k, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा m by k, बताओ m मास अभी कह रहे हैं कितना है मास 2 kg, तो t बराबर 2π ठीक है रूट के अंदर 2 kg डिवाइड बाय कह रहे हैं k, k बोल कितना है 200 न्यूटन, कितना है 200 न्यूटन यहां रख दीजिए 200 न्यूटन पर मीटर, इस पूरे वैल्यू सॉल्व करो 0.628 सेकंड आ जाएगा, पूरे वैल्यू सॉल्व करिएगा तो आंसर आ जाएगा 0.268, कैलकुलेशन तो आता है इसे कट जाएगा 1/100 टाइम्स में रूट बाहर निकालो 1/2π/10 10 ऐसा नहीं सकते इसे लिख लो 2π ये हो जाएगा रूट के अंदर 1/100 ठीक है 1/100 का रूट बताओ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा 2π/10 2π/10 इसके लिए सकते हो π/5 अब इसका जो वैल्यू है वो 0.62 कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर जो रहेगा पढ़कर देखो 2022 में पूछा गया सवाल है, ये सवाल में कोई दम नहीं, कोई भी दम नहीं। थर्ड
13 current spring constant of the two spring currents same k1 k2 exponential current object mass m suspended and the set vibration and the time period will be current kiska time period batana hai batao spring kisme lage hue hain ye spring lage hue hain parallel mein kisme lage hue hain parallel mein batao क्या होता है डिस्प्लेसमेंट सेम होता है दोनों स्प्रिंग अगर इस ब्लॉक को अगर नीचे मतलब खींचे थोड़ा सा तो जितना स्प्रिंग ये नीचे खींचेगा उतना ही स्प्रिंग ये नीचे खींचेगा तो दोनों में जो शिफ्टिंग होगी जो पोजीशन होगा शिफ्टिंग का वो सेम होगा तो स्प्रिंग कैसे होंगे पैरल में अब पैरल बताओ पिछले क्वेश्चन बताया था जो के इक्विवेलेंट होता है के इक्विवेलेंट वो होता है के वन प्लस के टू उन्होंने दिया ये के वन प्लस के टू उन्होंने दिया हुआ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के वन प्लस के वन प्लस के टू हो जाएगा आपका के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा के इक्विवेलेंट हमसे कह रहे हैं कि बताना है आपका मास वाइब्रेशन ऑफ द टाइम पीरियड बताना है मतलब टाइम पीरियड बताओ स्प्रिंग मास सिस्टम में स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड अभी भी लिखा था मैंने 2 पाई बोलिए दोस्तों 2 पाई m डिवाइड बाय के इक्विवेलेंट होता है के है लेकिन यहां पर दो स्प्रिंग लिखा गया तो यहां पर लिखा के इक्विवेलेंट बताओ के इक्विवेलेंट कितना है k1 + k2 तो सिंपल लिख सकते हैं आप टाइम पीरियड का फार्मूला जो एक्सप्रेशन आएगा t बराबर 2 पाई रूट के अंदर m डिवाइड बाय k इक्विवेलेंट k1 + k2 k1 + k2 हो जाएगा टाइम पीरियड का फार्मूला इन दोनों स्प्रिंग का टाइम पीरियड फार्मूला होगा 1 2 पाई डिवाइड बाय रूट के अंदर m / k1 + k2 जहां पर k इक्विवेलेंट हो जाएगा k1 + k2 क्योंकि किस में लगेगा पैरेलल में पैरेलल k इक्विवेलेंट होता है k1 + k2 तब फिर ऐसा हो जाएगा 2 पाई m k1 + k2 करो m by k ये जाएगा टाइम पीरियड सिंगल मास लगेगा ठीक है बताओ इसका अपोजिट कर दो क्या निकल जाएगा फ्रीक्वेंसी तो f की जो वैल्यू हो जाएगा इसका अपोजिट कर दो 1 / 2 पाई जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो जाएगा f बराबर 1 / 2 पाई ठीक है रूट के अंदर k / m रूट के अंदर k / ये जाएगा फ्रीक्वेंसी जब सिंगल मास था फिर कह रहे हैं कि कैसे पता करोगे इस मास को आप थोड़ा सा क्या करो स्लाइड पुश करो इस मास को अगर थोड़ा सा पुश करेंगे बताओ जो ये वाला स्प्रिंग है ये क्या होगा इलांगेट होगा अगर इस मास को अगर हम राइट साइड पुश कर रहे हैं तो ये वाला स्प्रिंग है थोड़ा सा क्या होगा एलोंगेट होगा जितना ये वाला स्प्रिंग एलोंगेट होता है उतना ही ये वाला स्प्रिंग क्या होता है कंप्रेस होता है क्योंकि फोर्स तो वही है तो जितना ये वाला स्प्रिंग कंप्रेस होगा एक्स उतना ही ये वाला स्प्रिंग क्या होगा एलोंगेट होगा तो दोनों में कंप्रेशन एलोंगेशन दोनों सेम है तो कंप्रेशन कैसा पैरेलल में क्योंकि पैरेलल में जो एक्स होता है जो एक्स जो होता है एलोंगेशन दोनों क्या होता है सेम होता है तो जितना ये वाला स्प्रिंग एलोंगेट होगा उतना ये वाला स्प्रिंग कंप्रेस होगा ठीक है तो ये कॉम्बिनेशन है किसमें पैरेलल में अब पैरेलल मतलब k इक्विवेलेंट रटा हो रहा था k इक्विवेलेंट k1 + k2 k + k कितना आ जाएगा 2k कितना आ जाएगा k * k + k कितना आ जाएगा 2k अब बता जरा टाइम पीरियड कितना आ जाएगा टाइम पीरियड ऐसे होते फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए सीधे फ्रीक्वेंसी बता दो फ्रीक्वेंसी f डैश मान लो क्या मान लो f नॉट मान लो 1 / 2 पाई 1 / 2 पाई रूट के अंदर k की जगह लिखें k इक्विवेलेंट k पर है कितना 2 * k 2 into k डिवाइड बाय रूट मास तो वही जाएगा अब अगर इसको फ्रीक्वेंसी टर्म्स में लिखना है तो क्या करिए रूट को बाहर कर लीजिए तो f नॉट की जो वैल्यू आ जाएगा f नॉट बताओ जरा इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 / 2 पाई ठीक है रूट के अंदर k / m ठीक है * रूट 2 क्या ऐसा लिख सकते हैं यस उस रूट को बाहर कर लीजिए अब ये जो पूरी वैल्यू है भैया ये वाला ये जो पूरी वैल्यू है ये आपको क्या बताओ ये आपका है f इनिशियल फ्रीक्वेंसी जब आप एक सिंगल स्प्रिंग लगाए थे तब का फ्रीक्वेंसी है अब बताओ जब डबल स्प्रिंग लगा दी है अरेंज कर दी है तो अब वही फ्रीक्वेंसी रूट 2 टाइम्स वही फ्रीक्वेंसी f नॉट कितना आ जाएगा रूट 2 टाइम्स रूट के अंदर 2 टाइम्स * इनिशियल फ्रीक्वेंसी अब वही फ्रीक्वेंसी हो जाएगा रूट 2 टाइम्स बढ़ जाएगा इनिशियल फ्रीक्वेंसी के तब का आंसर हो जाएगा अच्छा सवाल था नेक्स्ट आज के सेशन का आखिरी सवाल और आखिरी सवाल
अच्छे सवाल से खत्म कर रहे हैं। हेलो, क्लास में क्वेश्चन नंबर 50 देखिए जरा। करें कि द एक्सटी ग्राफ ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एज शोन द फिगर। करें द एस्केलेशन ऑफ द पार्टिकल टी बाय 2 सेकंड। करें कि एक्सेलेरेशन बताना है टी बाय 2 सेकंड। अगर ग्राफ नहीं दिख रहा है ग्राफ तो मैं ग्राफ एकदम बना दे रहा हूं, ठीक है। ग्राफ कुछ ऐसे। करें बताओ ये वाला जो पॉइंट है ये दिया उन्होंने 1 मीटर। कितना दिया हुआ 1 मीटर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो है ये वाला आपका नेगेटिव है -1, ठीक है। अच्छा बताना जो ये आपको जो पॉइंट है ये कर रहे हैं कि 2 सेकंड है। कितना है 2 सेकंड है यहाँ पर टाइम। फिर यहाँ पर कर रहे हैं कि 4 सेकंड है, ठीक है ये वाला। और ये आपका कितना है 6 सेकंड है और ये आपका 8 सेकंड है, ठीक है। ये आपका दिया गया है एक्स वर्सेस टी ग्राफ, एक्स वर्सेस टी ग्राफ, ठीक है। ये दिया गया यही फिगर है। हमसे पूछ रहे हैं कि एक्सेलरेशन बताना है पार्टिकल टी बराबर 2 सेकंड पर। तो उन्होंने बताया था कि एसएचएम में जो एक्सेलरेशन होता है तो ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता है, ठीक है। ओमेगा क्या होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसके वैल्यू क्या होते हैं ओमेगा बराबर होता है 2π/T। ओमेगा का वैल्यू कितना आ जाएगा 2π डिवाइड बाय मतलब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा टाइम पीरियड यहां से स्टार्ट किए यहां पर ये हो जाएगा आपका पूरा 8 सेकंड टाइम पीरियड। यहां से स्टार्ट किए फिर वहीं आ गए ये हो जाएगा पूरा 1 टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 8 सेकंड। नीचे डिवाइड कर दो 8 सेकंड से ये कितना आ जाएगा π/4। कितना आ जाएगा π/4 जो ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा π/4, ठीक है। यहां रख लो जरा। अच्छा x कितने सेकंड में पूछना है t बराबर 2 सेकंड पर। t बराबर 2 सेकंड मतलब 2 सेकंड ही तो है ना। इस टी और 2 सेकंड में देखिए ग्राफ में उस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है जो पोजीशन है वो क्या है। इस टी और 2 सेकंड पर पार्टिकल अपने कहां पर है एक्सट्रीम पर है। कहां पर है एक्सट्रीम पर। एक्सट्रीम मतलब एम्पलीट्यूड पर है। एम्पलीट्यूड है कितना 1 मीटर। एम्पलीट्यूड है कितना 1 मीटर। तो इस एक्स के वैल्यू 1 मीटर रखिए और ओमेगा वैल्यू π/4 रखिए जो एक वैल्यू आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस बाहर रखो ओमेगा स्क्वायर का कितना आएगा π²/16। स्क्वायर कर देंगे तो π²/16 इनटू x। x पर कितना है 1 मीटर क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड है t बराबर 2 सेकंड पर पार्टिकल का हो जाएगा 1। तो एक बोल जाएगा माइनस π²/16 ये हो जाएगा उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन। आप आंसर देख सकते हैं थर्ड आपका आंसर मैच कर रहा है -π²/16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका अच्छा सवाल था 2023 लास्ट ईयर पूछा गया सवाल है। सवाल कहीं कोई दम नहीं है बस आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट और ये सब फार्मूला याद होना चाहिए और कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। सवाल चाहे जैसा बना दें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आज की बात यहीं तक। बाकी बातें कल मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।